हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करेंगे एक्टर ज़ैन इमाम के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें ज़ैन इमाम के बारे में हर एक छोटी बात जानने के लिए। ज़ैन इमाम का फुल नेम है सैयद ज़ैन इमाम और ज़ैन का जन्म हुआ था 18 मई 1988 दिल्ली में और करेंटली ये एक्टर 32 ईयर्स की है। एजुकेशन की बात करें तो ज़ैन अपना स्कूलिंग पूरा करता है एमिटी इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली से और अपना कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट करता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। ज़ैन की हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ज़ैन इज वन ऑफ द हैंडसम एक्टर्स ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। चलिए एक झलक देख लेते हैं ज़ैन का फिजिकल अपीयरेंस। ज़ैन का हाइट है 5'9" अप्रॉक्स, वेट है 70 kg अप्रॉक्स और ज़ैन का आई कलर है ब्राउन एंड हेयर कलर है ब्लैक। अब बात करेंगे ज़ैन इमाम के करियर पर। ज़ैन मॉडलिंग से अपना करियर की शुरुआत करता है और एक्टिंग से पहले काफी सारे टीवी कॉमर्शियल्स भी कर चुके थे। फिर 2014 में ज़ैन MTV का शो कैसी है यारिया में अभिमन्यु ठक्कर के किरदार में डेब्यू करता है। 2015 में ZTV का शो तशने इश्क में ज़ैन को हम लोग फिर से देखते हैं एक नेगेटिव किरदार में। 2016 में अगेन ज़ैन इमाम ZTV का शो ये वादा रहा में नजर आते हैं। 2017 में फिर ज़ैन एक IPS ऑफिसर के किरदार में स्टार प्लस का शो नामकरण में नजर आते हैं। 2018 में MTV का शो लाल इश्क में भी ज़ैन काम कर चुके हैं और इसी साल वो स्टार प्लस का शो इशकबाज में भी नजर आए और 2019 में ज़ैन एक TV रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। एंड करेंटली ज़ैन इमाम स्टार प्लस सीरियल एक भ्रम सर्वगुण संपन्ना में कबीर मित्तल का किरदार निभाते हैं। अब एक झलक देख लेते हैं कितने अवार्ड जीत चुके हैं ज़ैन और कितनों के लिए नॉमिनेटेड हुए। ज़ैन 2016 में तशने इश्क सीरियल के लिए गोल्ड अवार्ड जीतता है। फिर 2017 एंड 2018 में नामकरण सीरियल के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होता है और 2019 में मोस्ट स्टाइलिश एक्टर ज़ैन को गोल्ड अवार्ड मिलता है। अब बात करेंगे ज़ैन के रिलेशनशिप स्टेटस पर। ज़ैन इमाम अभी तक अनमैरिड है और अपना प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं, इसलिए ज़ैन के रिलेशनशिप के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। और लास्टली देखेंगे ज़ैन के कुछ हॉबीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ज़ैन का हॉबीज है ट्रैवलिंग एंड साइकिलिंग और बहुतों को नहीं पता एक्टिंग के साथ साथ ज़ैन सिंगिंग एंड डांसिंग में भी इंटरेस्टेड है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2018 में ज़ैन को 26th सेक्सीएस्ट एशियन मैन की लिस्ट में भी चुना गया था। तो ये था ज़ैन के बारे में हर एक डिटेल। आई होप एवरीवन लाइक्ड द वीडियो एंड इफ यू डू लाइक प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।